नमस्कार भाई। नमस्कार जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर, काम कैसा चल रहा है? बस शुक्र है मालिक के जी, बहुत बढ़िया है। जैसे गर्मी का टाइम आ रहा है, हाँ जी, तो किसान भाइयों के लिए कोई मैसेज देना चाहो कि क्रॉस गायें रखें या ब्रीड रखें? सर जे डेयरी फार्म नया जो कर रहे हैं, जो जंग हमारी उम्र के जंग आर्मी लड़के कर रहे हैं सर, वो तो ब्रीड पे सर कोई ऐसा नहीं है जो कोई गर्मी की वजह से कहते हैं ब्रीड काम कंफर्टेबल नहीं रहती, उसकी केयर करनी पड़ती है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं आती गाय को। जे हम 10 लाख रुपए लगा के हम उसकी केयर नहीं करेंगे तो वेस्ट ही जाएगा सर। जे अच्छा संभालेंगे, उसका फीडबैक रखेंगे, जे हम केयर टेकर के अपने आदमी के ऊपर छोड़ेंगे, फिर जे डेयरी फार्म सक्सेसफुल में नहीं होगा सर। जे खुद जाकर हमने 10-12 लाख रुपया लगाया है गाय पे, जो उसका खुद जाके हमने देखा ही नहीं था, सुबह शाम भी कैसा रह रहा है कैसा नहीं रह रहा है, टेम्परेचर चेक करो उसका, सब फीडबैक चेक करो भी कैसा खा रही है कैसा नहीं खा रही, जो ऐसा कुछ नहीं चेक करोगे फिर वो सक्सेसफुल में नहीं जाएगा सर। और ब्रीड को कोई प्रॉब्लम नहीं आती सर, जो बहम है सर भी जो गर्मी में कंफर्टेबल नहीं रहती, जो बहम है लोगों का भी गर्मी में कंफर्टेबल नहीं, उसको संभालने वाला हो देख रेख रखने वाला अच्छा आदमी हो वो सक्सेसफुल में जाएगा सर। हमारा सारा डेयरी फार्म का चैलेंज हम लिख के भी दे सकते हैं इस बात को सर। आज कितनी गाय सेल कर रहे हो? आज सर 10 गाय जा रही है सर। कहाँ के लिए? जे महाराष्ट्र जा रहे सर, नासिक में। हाँ जी, एवरेज रेट क्या रहा गाय का? 70 से लेके 85-90 तक की है सर गाय। और एवरेज दूध? 25 से लेके 35-37 तक का सर। तो गाय चलाकर दिखा दीजिए। जे गाय कौन से इलेक्ट्रिशियन में? जे सेकंड इलेक्ट्रिशियन डिलीवरी होना है सर गाय ने। अभी कितने दिन बाकी हैं? अभी कम से कम पड़ा है सर महीना, एक सवा महीना ले जाएगी। और हाइट वेट फार्म की गाय है सर ये, और हाइट वेट देखो, लेग स्पोर्ट देखो गाय का, और ब्रीड स्टेट देखो गाय की, और ब्रीड वाइज गाय है सर ये। क्या दूध रहेगा? दूध देखिए सर, ऐसी गाय जो हाइट वेट वाली है इसको 40 लीटर क्या ज्यादा है सर, 40 लीटर आराम से निकालना है। हाइट देखो, चमक देखो, बॉडी वेट देखो गाय का कैसा गाय है सर, और स्ट्रेट देखो गाय की कैसी लंबाई कैसी है गाय की सर। क्या रेट में सेल की है? जैसे हमने 85,000 में दिए सर, 85,000 में दिए सर। ऐसे मैं इसका भी इतने हाइट वेट देके मैं कम दाम बोल दूं वो काम नहीं है सारा डेयरी फार्म का। जितनी बात होगी जेन्युइन बात होगी सर, ऐसे सर मैं ऐसी गाय को 1,10,15 की भी कह सकता हूँ, पर ऐसा काम नहीं। जो रेट में दी है वही रेट में दी है, 85,000 की दी हुई है सर ये गाय। ठीक है जी, मिल्किंग वेन देखो, ऑर्डर वाली मिल्किंग वेन दिखाता हूँ सर इसकी कैसी मिल्किंग वेन है गाय की, ऑर्डर पे देखो ये सर ऐसी गाय सर कस्टमर है क्यों नहीं सक्सेसफुल होगा। देखो सर मिल्किंग वेन कैसी ऑर्डर पे सर, देखो ऑर्डर देखो कैसा गाय का स्ट्रेंथ देखो गाय का, हाइट वेट देखो सर गाय का कैसा हाइट वेट है गाय का, और बहुत ही जान वाली गाय सर, 2,000-2,500 रुपये मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी सर ऐसी गाय को। ये गाय कौन से इलेक्ट्रिशियन में? सेकंड डिलीवरी होनी है सर। दांतों में 6 दांत है सर। क्या दूध रहेगा? दूध देगी सर 22-23 लीटर दूध देगी, ऐसे हम इसको 25-26-27 लीटर कह दे पर वो ही नहीं, 22-23 लीटर ठंडा दूध निकालेगी सर, क्रॉस ब्रीड की गाय है सर ये। क्या रेट में सेल की है? 65,000 में दिए सर। ठीक है जी, ऐसे हम आप बोल रहे हैं इसको 80-85 की दिए, जितनी बात है वही बात में देख लीजिए सर। और सर इसकी फैंट भी बहुत अच्छी आएगी, 5-6 फैंट आएगी सर, अंडर क्वालिटी देखो गाय का, अभी तो तैयार होना है गाय ने, तो कच्ची है। ठीक है जी, 10-15 दिन में पूरा कम्पैक्ट ऑर्डर बन जाएगा, पूरा फिटनेस वाला ऑर्डर बना देगी गाय सर। ऑर्डर क्वालिटी देख सकते हो, चमक दमक देख सकते हो, हाइट वेट देख सकते हो सर, बॉडी स्ट्रक्चर और थन का गैप देखो सर, अलग अलग चारों अलग अलग पड़े हैं सर गाय के थन जी। और आराम से 22-23 लीटर ठंडा दूध निकालना सर, 25 नहीं कोई 26 नहीं देगी, 22-23 लीटर ठंडा, 2-3 टाइम हमसे प्रेगनेंट ली उनको मैंने बोला जी डिलीवरी करके लेनी है, हम डिलीवरी करवा के भी हम दे देंगे। वो कस्टमर कह रहे हो सफर में, जैसे महाराष्ट्र के लिए थोड़ी सी 10-15 दिन की कच्ची गाय चलती है सर, फिर सफर में दिक्कत नहीं आती, इसलिए उन्होंने ज़्यादा प्रेगनेंट गाय ली है सर। और चमक दम हाइट वेट आपको दिख ही रहा है सर, और बॉडी स्ट्रक्चर भी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे आ रहा है कैसी बॉडी स्ट्रक्चर है सर। 2,000-2,500 किलोमीटर ऐसी गाय को सेन करने का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा सर, ये ज़्यादा एज की और ज़्यादा उम्र की गाय लेंगे और फीकी गाय लेंगे वो सफर नहीं झेल सकती सर। जे गाय कौन से इलेक्ट्रिशियन में? जे सर अभी सेकंड डिलीवरी होना है सर, इसने भी दांतों में ये भी 6 दांत है सर। कितने दिन बाकी हैं? अभी इसके भी पड़े हैं कम से कम सर 15-16 दिन आराम से ले जाएगी, अभी तो खुलना है गाय ने सर, कुछ भी नहीं अभी खुली गाय सर। क्या रेट में सेल? ये भी 70,000 में दिए सर, ऑर्डर क्वालिटी देखो सर, हाइट वेट देखो, लंबाई देखो गाय की, ऑर्डर क्वालिटी देखो सर, फिटनेस देखो गाय की, लेग स्पोर्ट देखो, और हाइट वेट वाली गाय है सर, ऐसे नहीं है सर हमें इतनी बड़ी गाय का कम दाम करके किसी कस्टमर को साधे वो नहीं, पर जितने रेट में दिए सर उतने रेट में दिए, 70,000 की दिए सर, ऐसे नहीं ऐसी गाय हम 90-90 की बिक रही है, पर जितना हम किसी डेयरी फार्म से हमारा 10-15 हज़ार का अंतर होता है सर वीडियो में। ठीक है, जितनी भी हम गाय देते हैं ऐसा नहीं, जो ऐसी गाय जाएगी कस्टमर हमारे पास ही आएगा सर, वो सहारा डेयरी फार्म पे नेक्स्ट विजिट करेगा सर, और हमारे कहने से नहीं, हमारे एनिमल है उसको लेके आएंगे सर, हमारे कहने से
हमारी बातों से कस्टमर नहीं आएगा और हमारे एनिमल लेके आएगा भी कैसी गाय है सर, ऐसी कस्टमर जो उनके जो जो हमारे पास कस्टमर है ना सर, वो 10 गाय पहले हमारे नासिक में हमारे से लेके गए हैं और उनका फीडबैक लेके ये हमारे पास है और इन्होंने अहमदनगर में भी हमारा फीडबैक लिया, फिर हमारे पास ये कस्टमरों ने विजिट करी है सर। नमस्कार भाई। नमस्कार, क्या हाल है? ठीक है, ठीक। पहले आप अपना नाम और प्रॉपर एड्रेस बता दीजिए। हमारा नाम शिशिकांत भगवान गुंजाल, गुंजाल नगर महाराष्ट्र देवला। कब आए थे बब्बू भाई के पास? ये परसों के दिन आए थे। कितनी गाय खरीदी? अपने 10 गाय खरीदी। आपका रहने सहने का प्रबंध इन्होंने कैसा किया? एकदम अच्छा किया। और गाय की क्वालिटी? गाय की क्वालिटी अच्छा है। और जो ये सौदा करते थे आपके सामने सौदा किया? सामने सामने सौदा किया। कोई धोखाधड़ी तो नहीं की सौदे में? कोई पैसे का लेन देन आपके साथ धोखा किया हो? कोई नहीं, कोई। कोई भी भाई बेचें तो क्या सकता है? बोलेगा पप्पू भाई का ये बार अच्छा है, काम अच्छा है। आप पहली बार आए हैं इनके पास? पहली बार। तो आपने इनकी वीडियो देख के आए या किसी से और फीडबैक लिया था इनका? फीडबैक भी लिया था, वीडियो भी देखी थी। ठीक है, पहले आपके यहाँ गायें गई हैं इनकी? उधर नगर में आया था। ठीक है, तो वो गायें उतना दूध निकाल रही हैं जितना इन्होंने बोला था? वही देख के हम आए, पप्पू भाई का व्यवहार देख के आए, व्यवहार अच्छा है इसलिए इधर आए। सर जो हमारे कस्टमर थे ना जिनके पास हमारी गए 50 एनिमल गए हैं नगर में अहमदनगर में, उनसे फीडबैक लेके आए, उनके हमारी देख के आए भी कैसी बब्बू भाई भी खाली वीडियो पे बोल रहे हैं कि भी एनिमल वैसे ही निकले हैं और वहां पे फीडबैक पूरा लेके और हमारी वीडियो भी देख के आए हैं और उनसे पूरा बातचीत करके फिर हमारे पास गाय खरीदने आए हैं सर। और अपने भाइयों को अपनी भाषा में मराठी में कोई मैसेज देना चाहो? या इथे चांगल्या गाई भेटतात, बब्बू सेठ एकदम चांगल्या व्यवस्थित गायींचा व्यवहार करून देतात, गाई व्यवस्थित भेटतात आणि ब्रीडच्या भेटतात, चांगले दूध देणार आहेत, चांगले नसलवाले आहेत, चांगले व्यवस्थित दूध देतील अशी अपेक्षा आहे आम्हाला। बब्बू भाई का काम अच्छा आहे, गॅरंटेड गाई मिळतात हे आम्ही महाराष्ट्रामध्ये सांगणार। किसी ने भी सर ऑनलाइन ऑफलाइन गाय लेनी है सर, जे कस्टमर घूमे भी, जे घूम के भी आए और किसी से पता भी किया, हमारे कस्टमर गए जिन्हों लोगों के पास जाके आए उन्होंने हमारे नंबर दिया, आप सहारा डेयरी फार्म पे विजिट करो। हम मैंने ऑनलाइन सर उनको 50 एनिमल भेजे थे जिनके पास ये जाके आए, वो कस्टमर भाई साहब मेरे पास एक दफा भी है, वो वेटरनरी डॉक्टर थे, वो एक दफा भी नहीं मेरे पे आए, मेरे पास आए और मैंने 50 के 50 एनिमल खुद भेजे हैं सर। उनका फीडबैक लेके ये हमारे पास सहारा डेयरी फार्म पे इन्होंने विजिट करी, जितनी बात कही उतनी बात से वही इनको रेट में गाय लेके दी, जितना मिल्किंग बोला उतना मिल्किंग निकलवा के दिए सर गाय का, और ब्रीड वाइज गाय लेके दिए सर गाय, ऐसे नहीं है भी कहा क्या निकला क्या, वो सहारा डेयरी फार्म का काम नहीं है और ऐसे फेक कामों से बचो सर। अच्छी गाय लेके देंगे सर, हमारा नाम बनेगा और भी कस्टमर हमारे पास आएंगे, हमारे कहने के बाद ही हमारे एनिमल हमारे पास लेके आएंगे सर, हमारे कहने के से नहीं कस्टमर आएगा। और किसी ने भी ऑनलाइन ऑफलाइन शाइबा लेनी है, भैंस लेनी है, स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, सहारा डेयरी फार्म यूट्यूब पे सर्च करके देखो। ठीक है जी, जब से ये चैनल शुरू हुआ तब से हमारी रेगुलर वीडियो आ रही है सर, ये अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जो गलत काम करेंगे सर लंबा समय नहीं चलेगा। और किसी ने भी हमारे से गाय भैंस खरीदनी है हमारे से जब मर्जी आके गाय खरीद सकता है सर, वीडियो देख लेके धन्यवाद।